स्वागत है दोस्तों। मैंने एक अमेजन से प्रोडक्ट बुक करवाया था जो कि मुझे प्राप्त हो गया है, अभी प्राप्त हुआ है, और इसी को मैं अनबॉक्सिंग करना जा रहा हूँ, जिसका नाम है बोया BY-M1। कॉलर माइक है और इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी बताई जाती है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखे, उसके बाद ही मैंने इसको बुक करवाया था, ऑर्डर किया था, जो मुझे प्राप्त हो गया है। अब इसका मैं पूरी तरह से अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ ही आपको बताऊँगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है। पहले जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस माइक की और इस माइक की दोनों की कंपैरिजन करेंगे और किसकी ऑडियो क्वालिटी है वो बेस्ट है और क्या आपके लिए भी ये बेस्ट साबित हो सकता है या नहीं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं इसको पैकिंग को खोलता हूँ। यहाँ से पैकिंग कोई विशेष नहीं है, ठीक ठाक अमेजन से प्राप्त हुई है। से भी खोल देते हैं। यह है प्रोडक्ट जो अपन ने ऑर्डर किया है। चलिए इस पे इस बॉक्स में से मुझे एक तो जो बोया BY-M1 माइक है, कॉलर माइक वो, और एक मुझे बिल प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस लगी है मेरे वो है 807 रुपये। यह है बिल। अब इसको खोलते हैं, देखिए इसके अंदर से किस ढंग से प्रोडक्ट है वो निकलता है और कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी है। ये है इसका बैग, पैकिंग काफी अच्छी लगी मुझे। ये इसकी माइक की गाइड है जो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर से ये है माइक, इसका जो वायर है वो काफी लंबा है, जो कि कहता है कि 20 फीट लंबा इसका वायर है। आप कहीं दूर से यदि वीडियो बनाते हैं तो इजीली इसका प्रयोग करके आप आराम से वीडियो बना सकते हैं और बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के साथ में। यहाँ पे क्लिप भी लगा हुआ है, आप इजीली अपने बेल्ट में डाल सकते हैं इसको। यहाँ पे कैमरा मोड और स्मार्टफोन मोड का स्विच दे रखा है। आप यदि कैमरा मोड पे कैमरे से अगर शूट करते हैं तो आप इसको कैमरे मोड पे करना पड़ेगा, और यदि मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो इसको स्मार्टफोन पे रखना है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये माइक की कैप है जो कि यहाँ लगेगी। आपकी वॉइस है वो कैंसिलेशन होगी इससे और बेस्ट क्वालिटी आपको प्राप्त होगी। इस टाइप की पिन भी प्राप्त होती है, यदि आपके इस टाइप का कहीं पिन है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, और इस ढंग से ये लगती है तो दोनों काम हो सकते हैं साथ में। और
चलिए इसको खोल के देखते हैं। इसके साथ में एक सेल प्राप्त हुआ है अपन को। इसके अंदर खोल के आप सेल लगा सकते हैं। तो चलिए इसको खोल के इसके अंदर देखते हैं कि सेल है वो किस ढंग से लगेगा। ये जो सेल है वो यहाँ लगाना है आपको, और इस सेल का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप अपना वीडियो है वो कैमरे से शूट करते हैं। आपको स्मार्टफोन से अगर शूट करना है वीडियो तो इस सेल का काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ मोड और स्मार्टफोन मोड दोनों एक ही है, यानी कि ऑफ मोड में भी ये काम करेगा। चलिए अब इसको लगा के देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है। मैंने माइक को लगा दिया है और अब मैं जो बोलूँगा वो इस माइक का प्रयोग करते हुए बोल रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि पहले वाली जो मेरी आवाज़ है वो क्लियर थी या फिर इस माइक के साथ में आवाज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है। तो पहले जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो इस माइक की थी, और इस माइक से आपको आवाज़ कैसी लगी? अब जो माइक सुन रहे हैं आप वो है बोया BY-M1 माइक की आवाज़ है, और इस माइक की सिर्फ रेट थी वो 150 रुपये थी, और यहाँ पे इसकी रेट है वो 807 रुपये। तो आप पैसों का अंतर और वॉइस का अंतर दोनों देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं।